अस्सलाम वालेकुम जी आ, हर साल की तरह इस दफा भी मैं पोर्शन वाइज मॉक प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करवाने जा रहा हूं अपने सब्जेक्ट्स की इसका पर्पस बुनियादी तौर पे ये है दो पर्पस है मेरे पहला पर्पस ये है कि काफी स्टूडेंट्स जो मॉक टेस्ट सीरीज नहीं देते अकेडमीज की टीचर्स की और रिलेक्टेंट होते हैं फियर uh, होता है कि हमारे नंबर कैसे आएंगे पता नहीं क्या होगा यू you नो know, बाकियों को पता लगेगा तो एटलीस्ट ऐसे स्टूडेंट्स वो कम से कम स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन को समझ सके वो सवाल उनको मिले उस पर फिर मैं उनको जवाब बता रहा हूं कि कैसे करना है तो स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन को समझ सके कुछ ना कुछ तो लर्निंग हासिल कर ले दूसरा मेरा परपज यह है कि जब भी स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट सेशन ज्वाइन करते हैं तो ज्यादातर उसमें क्या होता है कि चेकिंग हो रही होती है या डिस्कशन हो जाती है और ज्यादातर टीचर्स आपको बता रहे होते हैं होट टू बी आपको क्या करना चाहिए था आपने क्या कर दिया और आपको क्या करना चाहिए था मेरे इस सेशन में क्या होता है कि मैं हाउ वुड आई मैं एज अ टीचर उस सवाल को अगर उसकी आउटलाइन बनाऊंगा उसके अंदर किन किन चीजों को मैं इनकॉर्पोरेट करूंगा ताकि मेरा सवाल का जवाब बाकियों से बेहतर हो लास्ट ईयर भी करवाए थे मैंने 140 क्वेश्चंस करवाए थे सी एस एस ट्वेंटी ट्वेंटी टू के अटेम्प्ट से पहले इस दफा भी मैं ये करवाने जा रहा हूँ और ये फिफ्थ जनवरी से, से सेशन शुरू हो रहा है जी जो इसकी सिलेबस ब्रेकअप लेना चाहते हैं ये कोऑर्डिनेटर का नंबर लिख इसको मैसेज कर दें कि सिलेबस ब्रेकअप दे दें जी सिलेबस ब्रेकअप में पहला पेपर 5 जनवरी उसके बाद ऑनवर्ड सारे पेपर 5 से आठ पाक फेयर के बत्तीस सवाल चार क्वेश्चन में आपको सिलेबस ब्रेकअप मिल जाएगा फिर उसके बाद करंट अफेयर के चार पेपर बत्तीस सवाल फिर

तो कैसे करते हैं? और शाम में फिर आप अपने उस को मेरी के साथ कर कि कम कुछ ना कुछ तो लर्निंग हो ना जी सेशन हो पहले और उसके बाद हाफ एन आवर की खुद उनके कोई सवाल वो क्लास में ऑन हो जाएगा पूछे आपने इस इन आठ सवालों से रिलेटेड आपके जेहन में अगर कोई और बात है मैं अगर कोई चीज मिस कर गया अटेम्प्ट में आप बताएं आपने क्या सीखा इस दिन से तो वो हाफ एन आवर तो ये टोटल एक घंटे से डेढ़ घंटे की जो है वो प्रैक्टिस डेली 168 क्वेश्चंस जब आपके पास उनसे रिलेटेड स्ट्रक्चर मौजूद होगा तो हम स्टूडेंट इससे काफी अच्छी उसको लर्निंग हो जाएगी और ये उसके लिए फायदा मंद होगा फी मैंने इन 20 डेज की सिर्फ 3900 रखी है जस्ट 3900 कम हंड्रेड इसलिए रखी है ताकि कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि मैंने तो तीन लेने हैं सब्जेक्ट इनमें से मैंने तो दो लेने हैं तो वो उसको इतनी फीस पे बोझ ना पड़े उस पर जी ठीक है इट्स ओके okay. और इतनी बीस दिन की प्रैक्टिस है अगर कुछ स्टूडेंट देखता कि जी इन बीस दिनों से मैंने तो जनाब बारह दिन की प्रैक्टिस करनी मैंने तो जनाब तेरा दिन की प्रैक्टिस करनी मैंने तो इवन दस दिन की प्रैक्टिस करनी तब भी उसके लिए ये फी इतनी ज्यादा उसको बर्डन ना लगे बिल्कुल आसान लगे ये फीस की डिटेल्स हैं जी जो इजी पैसा जैसे कैश में जमा करवाना चाहते हैं अकाउंट नंबर लिखे हुए जो बैंक अकाउंट में जमा करवाना चाहते हैं जो स्टूडेंट्स मुझे जानते हैं वो तो इन डिटेल्स ऑलरेडी उनके पास होती हैं अपनी फीस डिपॉजिट करें और जो रिसीट है वो या शॉट वो कोऑर्डिनेटर के इस नंबर पर शेयर करें और अपने आप को रजिस्टर करवाने लास्ट डेट इसकी जनवरी है जी फिफ्थ को पेपर स्टार्ट हो जाएंगे उस दिन से मैं कोई रजिस्ट्रेशन जो है वो इसमें नहीं लूंगा जी ये रात के वक्त में आपको पर सुबह मिलेगा आपको ये रात को एक डेढ़ घंटा अभी से प्लान कर लें कि ये आपने मुझे देना है और मैं कोशिश करूंगा कि आपके इस पैसे की जो वैल्यू है वो आप तक मैं पहुंचा सकूं इन टर्म्स ऑफ लर्निंग थैंक यू वेरी मच जी अपना ख्याल रखिए शुक्रिया असलाकुम